आज आपके सामने फिर से आपके परीक्षा की नजर से मैं आईपीएससी नामकरण लेके आया हूँ, जो कि उप संयोजक बंद का जो उप संयोजक यौगिक होते हैं उनका आईपीएससी नामकरण मैं पिछला वीडियो में बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके रसायन विज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं कार्बनिक रसायन से जो आईपीएससी नामकरण है, ये आपके इतने मैंने छांट छांट करके लिखे हैं जो आपको इनमें से आएगा। बाकी आपके जो और इम्पोर्टेंट होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, इनको अगर आप बना अभी तक आप आईपीएससी अगर नहीं सीखे हैं तो आप हमारी बेसिक क्लास आईपीएससी की बहुत सारे हैं, इन स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी, उन सबको देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में मिलेंगी। फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप कम दिन हैं, आपको तैयार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इतनी ही नजर डालिए जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, काम क्या क्या करना है आपको, अभी अगर आप आज से ही देख लेंगे तब भी आपको काम आ जाएगा। सबसे पहले काम करना है कार्बन की संख्या को आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट और पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स। ये तो जरूर याद करना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर देखना है हमें, कोई चीज अगर दो बार आ रहा है तो उसको हम डाई बोलेंगे, तीन बार आ रहा है तो ट्राई बोलेंगे, अगर चार बार आ रहा है तो उसको हम टेट्रा बोलेंगे, वो अलग चीज होता है। दो हम दो तीन बार यहाँ तक लिखें, तीन दो बार, दो और तीन बार आएगा तो क्या बोलते हैं उसको, एक बार आएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पर OH आ रहा है तो उसके नाम के आगे हम लिखेंगे ऑल, नाम के उसके पीछे साइड, उसके पीछे ही साइड, जैसे नाम लिखेंगे ना उसी में हम संधि विच्छेद की तरह ऐड कर देंगे ऑल। बाकी ये सब अगर पहले आते हैं तो इनको पहले नंबर लिखेंगे, एक Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, अगर CH3 है तो मेथिल और C2H5 है तो एथिल, पहले नंबर पे इसको, दूसरे नंबर पे इसको, उसके बाद ये नाम के पीछे, बात समझ में आया, ये नाम के पीछे लगा देंगे, नाम के पीछे जोड़ देंगे, बस ये हमें कोई तरीका नहीं, बस एक हम शॉर्ट कट बता रहे हैं, अभी सारे नाम बन जाएंगे आपके लिए ही बनेंगे, देखिएगा दिमाग में बैठाइएगा कैसे क्या कैसे चीजें करना है सारी चीजें। सबसे पहले हम चलते हैं, इसको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, नामकरण करना पड़ेगा, संख्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, संख्या, संख्या आपको करना पड़ेगा, संख्या सबसे पहले नंबर संख्या लिखिए, कार्बन की संख्या लिखना है और किधर से लिखना है, जिधर से अधिक ब्रांचेज हो, जिधर से आपको ये ब्रांचेज दिख, जिधर से आपको बहुत सारी डाली दिखाई दे रही है उधर से दिमाग, इसको देखिए इसमें किधर से आपको डाले पहले दिखाई दे रही है, यहाँ शुरू करो, एक दो तीन चार पाँच छह ऐसे दिखाई, ये हम तरीका बता रहे हैं आपको, कोई रूल नहीं बता रहे, कार्बन की श्रृंखला से वहां शुरू को जहाँ क्रियात्मक समूह हो उस श्रृंखला को बनाओ जिसमें कार्बन श्रृंखला बड़ी बने, हमें सब कुछ भी नहीं बता, हम आपको यही बता रहे हैं आप लंबी लाइन को देखते जाइए और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को देखिए, सबसे बड़ी लाइन जो बन रही है वो तो ठीक है, लेकिन आप उस लाइन को वहां से एक से शुरू करिए जहाँ से ज्यादा से ज्यादा आपके शाखाएं फूटी हों, उसमें से बहुत सारी उसमें डाले फूटी हों, यहाँ से देख रहे हैं पहले दूसरे पे फूटा है, यहाँ देख रहे हैं पहले दूसरे पे फूटा है, मतलब दोनों साइड से दूसरे पर ही फूटा है, ठीक है। तो महत्व किसको दी जाएगी, हम दिमाग में बैठाते हैं सबसे पहले महत्व किसको दी जाएगी, ठीक है, महत्व हमें देना किसको है ये चीज दिमाग में बैठाते हैं, तो महत्व हमें देना है OH को, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है महत्व आपको इसको देना है, महत्व आपको इसको देना है, इधर जो सबसे पहले OH जिधर होगा उधर से नामकरण कर देंगे, तो यहाँ से नामकरण करेंगे, देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन हुए ना, पांच कार्बन के लिए आपको पता ही क्या होगा, पांच कार्बन, उससे पहले हमें काम करना है, इसको देखो क्या इसमें से कोई है या इसमें से कोई है, इसमें से देख रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी दिख रहा है इसमें, कुछ भी क्लोरीन इसमें से कोई, नंबर एक को कुछ नहीं, नंबर दो पे जाओ, नंबर दो देखो मेथिल एथिल कुछ भी है, इसमें मेथिल दिख रहा है, यहाँ पर आपको मेथिल दिख रहा है, यहाँ पर अगर इसका हम नामकरण करते हैं 1 2 3 मतलब अंकन करते हैं 4 एंड 5 पांच है ना, चार नंबर पर देखिए क्या है CH3, मतलब CH3 को बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे मेथिल, अब हमें केवल लिख देना है चार मेथिल, क्या लिख देना है चार मेथिल, एकदम ही चीज बनेगा यार, कोई कुछ ज्यादा नहीं यूज करना, बस इतने भी यहाँ से हम काम बन जाएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा और इसी में फंस भी जाएगा, चार मेथिल, चार मेथिल, उसके बाद हम देखेंगे और क्या चीजें हैं, जो डाले फूटी है उस डालों पर क्या है, वो जो डाले फूटी है उन डालों पर क्या है, ये डाले फूटी इसमें CH3 था, मैंने मेथिल लिख दिया, चार उस चौथी डाल थी, इधर चलते हैं पहली डाल दूसरी डाल तीसरी डाल, तीसरी डाल पहली डाल दूसरी डाल तीसरी डाल चौथी डाल, मतलब चौथे पर ये डाल फूटी है, ये आपका क्या है कनखी, एक ये जगह है डाल फूटने की जगह है, जैसे आप बांस देखते हैं ना जगह जगह पर गांठे रहती हैं तो उसमें से कनखियां निकली रहती हैं, सेम उसी तरीके से इसको जानो, यहाँ से डाल नहीं निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, चौथे पर से निकली,
ये वाली डाल के यार निकली है OH वाली, ये भी दोनों OH वाली है। तो हम बताइए एक किस पर है, दो पर, एक किस पर है, तीन पर। हम इधर से अंकन करेंगे ना, इधर से काउंट भी करेंगे, पहले दो तीन को नहीं लिखेंगे, पहले दो, क्योंकि किस संख्या में आप जब 1 2 3 4 फाड़ते हैं, पहले टू आता है, थ्री पहले टू आता है ना, पहले टू को। दो पे कामा और किस पर, थ्री पे, टू और थ्री दोनों, दो पर भी और तीन पर भी क्या है, OH है, क्या है, OH है। लेकिन आप दिमाग लगाइए, OH तो है, कोई दिक्कत नहीं, OH है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं OH है किस पर है, पांच बार है, कितनी बार है, पांच बार है। अब हमें काम क्या करना है, इसको हम पांच बार के लिए क्या लिखेंगे, अब बताइए पांच बार के, अब पांच बार के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पांच बार के लिए अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए अगर हम लिखते भी हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, प्रो तीन के लिए तो हमारा हो जाता, चार पर हमारा मेथिल यहाँ पर था, किसी भी तरीके से चलते, तो यहाँ पर हमारा पेंटनोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेंटनोन होना चाहिए। दूसरा काम, दूसरा काम क्या करते हैं, 1 2 3 मतलब टू और थ्री दो जगह है, तो डाई पेंटेन टू ओन कितना है, डाई ओन है, कितना ओन है, डाई ओन दो बार है, एक बार यहाँ पर ओ ओन नहीं, ऑल पेंटन, पेंटनॉल क्या, पेंटनॉल ऑल है ना, पेंटनॉल क्या है, पेंटनॉल। तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते थे कि पेंटेन टू थ्री पे पेंटेन डाई ऑल लिखते, क्या लिखते, डाई ऑल, दो बार आपका ऑल आया है, दो बार आपका ऑल आया है, ये चीज भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बन रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इस पे बढ़ेंगे तो फिर इस पर आप रिविजन कर लेना, पहले इस पे बढ़िए, देखिए क्या है इसमें। तो इसमें दिमाग लगाते हैं, तो हम कार्बन गिनेंगे, पहले देखेंगे OH किधर से जुड़ा हुआ है, उधर पर ही डाई, उधर पर ही नजर डालेंगे हम, पहले उसी पे ही नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 देखिए हमने सही गिना ना, क्योंकि OH इधर से जुड़ा है। अब हम देखते हैं पहले इनमें से कौन सा है, क्लोरो ब्रोमो से कौन सा, क्लोरो एक, दो पे क्लोरो है और तीन पर क्लोरो है, दो पर क्लोरो है तीन पर, तो हम क्या लिखेंगे, टू कामा थ्री क्या है, डाई क्लोरो, इसी तरीके से हम उसको भी कह रहे थे लिखने को, डाई क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं और क्या, कौन सी, ये डाल हमने लिख के दोनों क्लोरो था, एक डाल यहाँ पर मेथिल की है, एक डाल, और इसका नाम है टू पर है मेथिल, टू दूसरी डाल है मेथिल की, दूसरी डाल है हमारी मेथिल की। ठीक है, हमारा अगला समूह जो हमारा अनुलग्न पूर्व लग्न है ये मेथिल है। उसके बाद हमारा संख्या कितना गिरना है, जब सारी डाले खत्म हो जाए तो मूल जड़ को लिखना हो तो पहले मूल कार्बन की संख्या गिनो, कार्बन संख्या चार है, चार के लिए लिखेंगे ब्यूटेन, तो लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटे, अब इसमें OH है तो ऑल जोड़ना है, तो ब्यूटेनॉल क्या जोड़ना पड़ेगा, ब्यूटेनॉल, सभी में हमें ऑल जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑल को हम कब जोड़ेंगे, जब हम अकेले लिखना हो तो ऑल लिख सकते हैं, लेकिन किसी में जोड़ना हो तो नाल लिखेंगे, ना लगा के लिखेंगे इसको, हम सभी में मेथ को मेथेन, एथ को एथेन, प्रोपेन ब्यूटेन नर बोल देंगे, तो नाम ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हिसाब से चलना। अब इसको बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं, इसमें देखते हैं हमारा कोई चीज है, इनमें से कोई है नहीं है, इनमें से है एथिल है, क्या है, एथिल। अब एथिल है तो एथिल को हम उसी हिसाब से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक एथिल दो एथिल, तो डाई एथिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई एथिल, डाई दो बार एथिल है ना, एक दो एथिल है, डाई एथिल, डाई एथिल। बाकी ये क्या है बीच में, ए इथर है, ये क्या है, इथर मैंने वहां पर लिखा है, यहाँ लिखा है ऑक्सी लगना पड़ेगा या तो इथर लिखना पड़ेगा, डाई एथिल इथर। इस पर बढ़ते हैं, इसको देखिए, इसमें देखते हैं हमें OH किधर दिख रहा है, कहीं पर यहाँ पर बीचों बीच में दिख रहा है, तो हम चाहे इधर से देखें, अब हमने ये भी बताया जिधर ज्यादा डाल फूटी हो, इधर देखने ज्यादा डाले फूटी हैं, तो जब इधर ज्यादा डाले फूटी हैं तो हम इधर से शुरू करेंगे, और इधर से शुरू करेंगे तो क्या कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, जिससे हम यहाँ शुरू करेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ऐसे ना, तो हम यहाँ से करते हैं एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन हो गया, कितने कार्बन, पांच सॉरी यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, पांच कार्बन हो गए कुल। अब हम देखते हैं दूसरे, दूसरे पे क्या है, एक मिथिल इधर इधर है, दूसरे पे दो मिथिल,
दूसरे पे तुम्हारा 2 मिथेन है, कितने पे, मतलब 2 पर भी है 2 पर भी है, क्योंक्योंकि इसमें से इन दो कार्बन क्लोरो ब्रोमो नहीं है। पहले मैंने लिखा पहले इसको ढूंढिए फिर इसको ढूंढिए, इसमें ये नहीं है। फिर ये देखिए, 2 पर 2 2 पर 1 मिथिल, दूसरी डाल पर इधर और दूसरी डाल दूसरे पर इधर, 2 2 पर हो गया क्या मिथिल, 1 मिथिल यहाँ पर भी है, 4 नंबर पर, कितने नंबर पर है, 4 नंबर, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर 4 नंबर पे हमारा, 4 नंबर पे बनाते हैं क्या है, मिथिल ए भी है, तो 1 2 3 मिथिल है, कितना है मिथिल, 3 है, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, ट्राई मिथिल, ट्राई मिथिल कितना हो गया, ट्राई मिथिल हो गया। ओके, तो ट्राई मिथिल हो गया। अब और चीज क्या है, ओएच यहाँ पर है, ओएच कहाँ पर है, अब उसको हम उसका नाम देंगे। अब पहले नंबर तो कार्बन गिनते हैं कितना है, ये OH हम कहाँ लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा, पहले हम OH गिने 5 पर, तो पेंटेन हो गया, क्या हो गया, पेंटेन हो गया। पेंटेन में हमारा ये ऑल किस पर है, तीसरे पर है, तो हम 3 ऑल लिख सकते हैं, 3 ऑल लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो हम लिखते हैं पेंट, क्या लिख सकते थे, पेंटेनॉल लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, पेंटेनॉल 3 लिख सकते थे, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, उसकी संख्या दे सकते हैं और बाकी अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डाई ऑल, यहाँ पर एक एक ही ऑल है, इस तरीके से। यहाँ पर पहुंचते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर पर हम देखते हैं हमारा क्या क्या चीजें हैं, पहले इसको हम ढूंढेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हमारी, बारी बारी से ढूंढते चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम चलेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं, पहले काउंटिंग करते हैं और अपना एक एक करके। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें देखते हैं, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं, इसमें से है, इसमें से हमारा देख रहा है यहाँ पर, तो हम इसको क्या नाम है, अगर हम काउंटिंग करें, इधर से करें, इधर से करें, इसको हम कौन, तो हमें ओ एच इधर से पहले जुड़ रहा है, उधर से ही काउंटिंग करेंगे। तो देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, क्या है, 7 कार्बन, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, क्या है, हेप्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 कार्बन यहाँ था, 2 कार्बन इस तरीके से। तो हमारा सबसे पहले इसको लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा दूसरे नंबर, पहले नंबर इस पर, दूसरे नंबर हमें पूर्व लगेगा, एथिल है पहले, एथिल किस पर है, एथिल हमारा 5 नंबर पे, 5 एथिल, 5 एथिल हो गया। उसके बाद 2 OH है, 2 OH, OH तब लिखा जाएगा जब पहले इसके कार्बन की संख्या लिख देंगे, कार्बन संख्या कितनी है, 7 बार है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, हेप्टेन लिख देंगे, एथिल हेप्टेन, एथिल हेप्टेन, हेप्ट लिख सकते थे, हेप्टेन भी लिख सकते हैं। हेप्टेन के बाद हमारा कितना बार है, हमें उसको लिखना है, यहाँ पर दूसरे पे है और चौथे पर, 2 कामा 4 पर, 2 पर भी है कामा 4 पर भी है, क्या है, 2 कामा 4 पर क्या है, 2 आल है, तो हम यहाँ पर डाई आल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डाई आल। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको भी लिख सकते थे, इसको भी इस तरीके से, इन दोनों को हम यहाँ पीछे लिख सकते थे कि पेंट, पेंटेन 2 कामा 3 डाई ऑल, मैंने बोला था ना कि पहले आप करिए उसके बाद इसको भी शुद्धिकरण करेंगे, कैसे कैसे किया, इसलिए मैंने वहां पर पढ़ा। अब यहाँ पर चलिए इसमें देखिए, हमें किस में, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर बनाओ, अंक हम किसी तरीके से कर सकते थे, 1 2 3 4, कोई इनमें से है, कुछ भी नहीं है, इनमें से है, इनमें से भी नहीं है, हमारा केवल वही है, हम 4 है, कितनी बार है हमारा, ये 4 बार है, हम तो चारों को लिखेंगे सबसे पहले। तो चारों को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 4 के लिए ब्यूटेन है, क्योंकि हमें कोई अनुलग्न नहीं, तो हम ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, कम 2 पे है 3 पे है 2 3 पे है 2 3 पे हम लिखे 2 कामा 3 डाई आल, क्योंकि 2 बार आल है, क्या है, 2 बार आल है। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद हम चलते हैं इस पर पहुंचते हैं, इस पर भी OH इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड OH है, तो दोनों साइड से हम किसी भी साइड से बना सकते थे, आराम से किसी भी साइड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए 1 2 3, 2 ही 3 ही कार्बन है, तो 1 से बनाएंगे, 1 पर भी है और 2 पर भी है और 3 पर भी है, सभी पे है, 1 2 3 सभी पे है। पहले इसका हम आल कब लिखेंगे, आल पीछे लिखेंगे, पहले आप समूह कार्बन का समूह बनाएंगे, कार्बन 3 है तो प्रोपेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन डैश 1 कामा 2 कामा 3, क्या हो गया, ट्राई आल, क्या,
ट्राई, तीन आल है, ट्राई ऑल हो गया। इस पर पहुंचते हैं तो ये हमारा इसका नाम क्या है, अब इसमें देखते हैं तो ये हमारा एक फिनॉल होता है, जब ओएच जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, फिनॉल। फिनॉल में हमारा मेथिल जुड़ा हुआ, मेथिल जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका नाम करेंगे, हम देखते हैं काउंटिंग करते हैं, यहीं से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से कार्बन होता है, वन कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, वन के बाद दूसरे पे मिथिल है, मतलब टू मिथिल हो गया, टू मिथिल हो गया, उसके बाद फिनॉल, तो क्या हो गया उसके बाद फिनॉल, ओ एच हमारा मिला करके इस साइक्लिक वाली में अगर ओ एच मिल जाए फिनॉल हो जाएगा, बस इसी तरीके से इसको करते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इस तरीके से है। अगर हम इधर से काउंटिंग कर जाए तो हमारा दूसरा साइड से हो जाएगा, ओके। तो किसी भी तरीके से करें हम, ये भी हो जाता है। अगर इधर से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको बनाना है, किसी भी तरीके से कोशिश करके आप बनाएंगे तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इधर से काउंटिंग करते हैं, इधर से, इधर से चलेंगे, देखिए कि इधर से बनेगा इस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब हो गया ना। इसको करिए, कितने पे हमारा मेथिल, ए दो पर है या पांच पे है, दो कामा पांच डाई मेथिल, उसके बाद फिनॉल, क्या फिनॉल, ये हो गया। इसी तरीके से इसका नामकरण कर लीजिएगा, इसमें भी देखते हैं, तब इसमें किधर से भी चले, इधर से चले, इधर से, नहीं बात एक ही है, एक दो तीन चार पाँच छ, तो हमारा दो पे है छह पे है, दो कामा छह डाइमेथिल, उसके बाद फिनॉल, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर पहुंचते हैं, इसको देखते हैं तो यहाँ से किसी भी साइड से चले, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो यहाँ पर देखते हैं एक समूह जुड़ा हुआ है ये वाला, इसका नामकरण करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको दिमाग लगाने से पहले आप सोचिए पहले कैसे हमें करना पड़ेगा। ये आपका इथर है, नहीं ऑक्सी वाला समूह, तो इसमें देखिए ओ से क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा हुआ है, ओ से हमारा क्या क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो ये हमारा एक पर हम देखते हैं क्या है, मेथॉक्सी, देखिए क्या है मेथॉक्सी यहाँ पर, तो ये इसको हम बोलेंगे वन मेथॉक्सी, वन मेथॉक्सी, वन मेथॉक्सी हो गया। मेथिल हमारा देखते हैं तो मेथॉक्सी बार वन टू, इधर से लेंगे वन टू थ्री, तो टू पे हमारा मेथिल हो गया, ठीक है, टू पे हमारा मेथिल हो गया, टू मेथिल प्रोपेन, टू मेथिल प्रोपेन हो गया। ये समूह जो है हमारा ऑक्सी वाला हो जाता है, मेथॉक्सी से मेथिल जुड़ा, यहाँ पर एथिल जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से एथॉक्सी हो जाएगा, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए आपको बनाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एथॉक्सी, एथॉक्सी। अगर यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे एथॉक्सी के बाद सीधा सीधा, ये दो कार्बन, दो सॉरी, यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए C2H5 इधर जुड़ा हुआ, ये है मिथ, क्या है आपका, एथिल है, ये वाला एथिल है, इधर आपका बेंजीन है, एथॉक्सी, एथॉक्सी के बाद आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब सुनेंगे सर बेंजीन कहाँ, ये है बेंजीन, C6H5, H6 होता है तो उसमें ऐड हो गया ना, इसलिए ये आपका एथॉक्सी बेंजीन हो गया, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो आपको ये सारे नामकरण आपको एक बार ट्राई कर लेना है, इस तरीके से अपने बुक से भी ट्राई कर लेना है, तो आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो दो अंक आपका, चार अंक तक यहाँ से पूछा जाएगा। आईपीएससी का आपका नामकरण उपसा योजक वाला जो होता है, आपका कोऑर्डिनेशन वाला जो होता है कॉम्प्लेक्स का, उसमें भी हम बनवा चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाने वाला, 5 से क्या 8 नंबर, ट्राई करिएगा। बाकी आपको जो भी इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स होंगे उसको हम लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दिए, और आपको हमारे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर देना, सेकंड चैनल नाम मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आपको जो भी अच्छा हो, नीचे आपका टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पीडीएफ किसी भी मिलेगा तो वहीं पर मिलेगा। बाकी आपको कम्पिटिशन लेवल की तैयारी हम अलग तरीके से जल्दी से जल्दी करके आएंगे, बस हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।